सबसे पहले हमार तमाम भोजपुरिया दर्शकन के प्रदीप पांडे चिंटू के तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा। और आज हमनी के शूटिंग करता नहीं जा जौना फिल्म के नाम है मोहब्बत। जैसा कि पहले भी बताया इस फिल्म के बारे में कि काफ़ी इस टाइटल से दर्शा रहा है ये फिल्म कि लव स्टोरी फिल्म है और काफ़ी खूबसूरत फिल्म है, काफ़ी चैलेंजिंग लव स्टोरी फिल्म है। चैलेंजिंग के साथ साथ इस सिनेमा में रिवेंज कहानी बा और हर तरीके के मसाला बा, हर तरीके की एंटरटेनमेंट बा, इमोशन, रोमांस, लव स्टोरी, ड्रामा, हर तरीके के में एंटरटेनमेंट बा। हर वर्ग के लोगों के खातिर ये फिल्म में हर चीज़ बा। और आज जो गाना चला था हमार और अनारा गुप्ता जी के बीच में और एमें जो हीरोइन बड़ी काजल यादव, हम तीनों के बीच में गाना बा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जानदार गाना बा, बहुत ही तड़कता फड़कता गाना बा। हमारा ये गाना स्पेशली बहुत अच्छा लगे ला फिल्म के, कहे कि बहुत ही तड़कता फड़कता और बहुत ही एकदम चहक वाला गाना है जौन हमारा जौन स्टाइल रहेला हमेशा। और हम ये जरूर कहें कि जब भी सिनेमा लागे आप सबके अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में तो अपना पूरा परिवार और दोस्त यार के साथ इस सिनेमा के जाके जरूर देखब। और इस सिनेमा की शूटिंग बहुत अलग अलग जगह पर, बहुत नया नया लोकेशन पर भइल बा और पहला बार आप सबके बहुत बड़ा बड़ा और बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन इस फिल्म में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस फिल्म का एक्शन बहुत तगड़ा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इसके एक्शन मास्टर हमने साउथ इंडस्ट्री से बुलाए थे, जो दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से में जो एक्शन मास्टर थे वो हैं। इसके सारे टीम टेक्नीशियन बहुत अच्छे हैं, सभी अपना काम बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं, बहुत ही बखूबी कर रहे हैं, सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं। और साथ ही मैं अपने को स्टार, अपनी को एक्ट्रेस काजल यादव के बारे में बोलना चाहूँगा, जो इस फिल्म के जो लीड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस फिल्म के बारे में, काफ़ी खूबसूरत हैं और बहुत ही उम्दा अदाकारा हैं। इनकी ये दूसरी फिल्म है लेकिन उन्होंने बहुत एनर्जी के साथ और बहुत ही चहक के साथ इस फिल्म फिर से अपनी एक अहम पहल की है। इस फिल्म के थ्रू भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत स्ट्रांग कदम रखने जा रही हैं और मैं चाहूँगा कि जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने बाकी सभी हीरोइंस और एक्ट्रेसेस को दिया है, वही प्यार, वही आशीर्वाद काजल को भी दें और पसंद करें उन्हें, हमारी जोड़ी को पसंद करें और फिल्म को पसंद करें। ये भी कहना चाहूँगा बहुत अच्छा, मतलब डांस था, कितने अच्छे डांसर खुद को मानते हैं आप। देखिए किसी भी कलाकार के लिए कोई भी चीज़ कोई एक एंड नहीं बोल सकते, लिमिट नहीं बोल सकते। कलाकारी जो है वो लिमिटलेस है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। और डांस की जहाँ बात करें तो मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्शंस, डांस और एक्शन में मेरी बहुत स्पेशल भूमिका रहती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे करने में। डांस के मामले में मुझे लोग पसंद ही करते हैं डांस के रूप में, एज ए डांसर के रूप में बहुत ही अच्छा, उन्हें सभी को बहुत ही अच्छा डांस लगता है मेरा। और मुझे हर वक्त हर गाना नए स्टाइल में और नए डांस स्टाइल में करने को बहुत मज़ा आता है और मैं चाहता भी हूँ कि जितने भी गाने आए, जितने भी मेरे डांसेस रहे, वो एक नए स्टाइल में, अच्छे स्टाइल में रहें और जिसको आज जो हमारी जो यूथ पीढ़ी जो है, यंग पीढ़ी जो है, वो उसे देखें, फॉलो करें। और आज की जो पीढ़ी, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं कई सारे रियलिटी शोज़ देखता हूँ, जहाँ तक कि डांस की बात निकली है, तो आज तो जो डांसर्स, जो कमाल डांसर्स आए हैं, जो एक से एक जो फॉलो डांसर्स आए हैं, जिनके डांस की कोई अंत नहीं है, ऐसे ऐसे आप मूवमेंट्स देखेंगे कि आप सोच नहीं सकते कि ये मूवमेंट कोई कर भी सकता है। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि आज हम सब सीख रहे हैं आज भी, और मैं ताउम्र ये चीज़ सीखता रहूँगा। बाकी रही जो डांस की बात, तो वो हमेशा अच्छा से अच्छा आप सबको देता रहूँगा। भोजपुरी में कई सारे स्टार्स हैं, किसी को आप अपना आदर्श मानते हैं, कहना चाहेंगे कि किसी के बारे में कि उनकी अदाकारी से आप प्रभावित होते हैं? जितने मेरे सीनियर्स हैं वो सभी काफ़ी अच्छे और काफ़ी अहम जगह पर हैं और काफ़ी अच्छा अदाकार हैं, सभी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस बहुत तगड़े रही है, इसीलिए उन्हें पब्लिक ने सराहा है, हमारी जनता ने सराहा और सराहकों पर बिठाया है। मैं उन सभी की तहे दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उन हर किसी सीनियर कलाकार से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है हमेशा। मैं अगर जहाँ तक कि आदर्श की बात है, तो आदर्श और मेरा स्कूल और इंस्टीट्यूट सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में रहे हैं, जिनका नाम है श्री राजकुमार आर पांडे जी। वो मेरे लिए हमेशा से एक बहुत बड़े आदर्श रहे हैं हर चीज़ों में। उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों से 0% से लेकर 100% तक सारी चीज़ें सिखाई है। डांस, चाहे डांस के मूवमेंट्स की बात करें, डांस के एक्सप्रेशंस की बात करें या एक्शंस के एक्सप्रेशंस की बात करें, जितने भी एक नौ रस कहा जाता है हमारे एक्टिंग फील्ड में, नौ रस कहा जाता है, जो नौ रस जो कर ले जाता है उसके लिए वो एक परिपक्व एक्टर उसे कहा जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं जिस इंस्टीट्यूट से निकला हूँ, श्री राजकुमार आर पांडे जी मेरे हमेशा से एक
बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक, मेरे पिता के साथ साथ बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने मुझे हर शॉट की बारीकियाँ से बारीकियाँ बताई है और बहुत ही डिटेल में उसे सिखाया है मुझे। तो आज मैं जो भी कर रहा हूँ, जैसा भी कर रहा हूँ, सब उन्हीं के देन है। अभिनय करने के बाद राजनीति में आते हैं, आपको राजनीति का कोई शौक है? नहीं, मुझे राजनीति का तो कोई शौक नहीं भाई, बहुत ही चुलबुल सा नटखट सा लड़का हूँ, मुझे अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ और काम करना बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे जो फिल्मी काम है ये मेरा बहुत मन लगता है, मेरा एक जॉब नहीं बल्कि ये मेरे खून में है, तो मुझे अंदर से हमेशा से इस चीज़ के लिए हमेशा से चहक रहती है। और मैंने शौकिया तौर पर इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन आज हमारे दर्शकों ने जो प्यार और जो आशीर्वाद दिया, जो दुआएं दी, उन दुआओं के बदौलत आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ और इस सम्मान के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं हमारे पूरे भोजपुरिया समाज का, पूरे दर्शकों का तहे दिल से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और यही प्यार, यही आशीर्वाद हमेशा अपने इस चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू पर बनाए रखें। और मैं वादा करता हूँ कि आप सबकी जो भी उम्मीदें हैं कि मैं मेरी फिल्मों से आप सभी को कोई ना कोई उम्मीदें होती हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, वो सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा मैं। और मैं मेरा वादा है कि आप जब भी अपने पूरे आप मेरी कोई भी फिल्म आप अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ एक साथ बैठकर अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। और बस जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि जो भी फिल्में मेरी आए उन सभी फिल्मों को अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते रहे, जैसा कि आपने मेरी पहले की सारी फिल्में देवरा बड़ा सतायुला, जीना तेरी गली में, जितनी भी फिल्में आई, ट्रक ड्राइवर, जितनी फिल्में उन सभी को जो आपने प्यार दिया है वही प्यार बल्कि उससे ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद मेरी आने वाली हर फिल्मों को दे। मैं ये आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी फिल्में आने वाली हैं उन सभी में आपको अलग रंग और अलग किरदार के साथ अलग चिंटू नज़र आएगा। बट मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जब भी मेरी कोई भी फिल्म आपके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में लगे तो उसे ज़रूर अपने पूरे परिवार के साथ और सारे दोस्त यार के साथ जाके ज़रूर देखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।